काली दाल, जीरा, राशन हॉल है ये राशन। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज की वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। दिन की शुरुआत होने वाली है तैयार होने से। आज मेरा व्लॉग बनाने के लिए मन तो था नहीं, पर मैंने सोचा कि तैयार होते हैं, अगर तैयार हो जाओ तो फिर कुछ ना कुछ करने का मन तो हो ही जाता है। तैयार होने के लिए भी मन नहीं है, जबरदस्ती तैयार हो रही हूँ, बाल बना रही हूँ। सो लेटर थोड़ा प्रोडक्टिव फील करना शुरू कर दिया मैंने। सो उसके बाद मैंने डाउनस्टेयर आके थोड़ी सी स्पीड क्लीनिंग की, क्योंकि जब तक मेरा घर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं होता, लाइक चीज़ें जगह जगह पे हों, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हो, तो फिर आपका अच्छी चीज़ें करने के लिए मन करता है, क्योंकि क्लटर आपके दिमाग में भी क्लटर भर देता है। सो अगर आपका घर क्लटर फ्री हो तो ज़्यादा चीज़ें आप कर पाएंगे। We did the things we did, oh, so let me say, I never meant to be trouble, I never wanted to be like them, never meant to cause you struggle, but I lost my way back then, no more fighting and hurting, those times are now coming gone, it's time to grow up and stand tall. हेलो दोस्तों, सो काफ़ी नन्ही मन्नी सी स्पीड क्लीनिंग करने के बाद एक्चुअली मैंने मेरा बैकयार्ड भी थोड़ा क्लीन किया, क्योंकि बारिश हुई थी तो वीड को निकालना बहुत आसान था फ्लोर से, जो बैकयार्ड का फ्लोर है, तो वो किया है मैंने। एंड अब कॉफ़ी पीने वाले हैं हम, और उसके बाद हम जाएंगे ग्रॉसरी शॉपिंग। इंडियन ग्रॉसरी जाने का प्लान है आज, कितने सारे दिन हो गए कि हम लोग गए नहीं है। एंड हिम्मत के स्कूल फिनिश होने की वेट कर रहे हैं हम, और मैंने सोचा तब तक कॉफ़ी पीते हैं, एक कॉफ़ी अद्धी मैं मेरे पति शेयर कर लेंगे। एंड मैं एक्चुअली आजकल वेब सीरीज देख रही हूँ, वाई वुमेन किल, वाई वुमेन किल मैन, और या वाई वुमेन किल, वो अच्छी लग रही है मुझे। आज उसका फिनाले है तो वो पीछे चल रहा है, और हस्बैंड अपना पता नहीं कोई काम में बिजी है। एक्चुअली मेरा अर्लियर प्लान था कि मैं सारे रूम्स को थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज करने वाली है, क्योंकि डाउनस्टेयर से जो हमारी क्लोज़ेट है, शू क्लोज़ेट, उसमें से मैं सारे सर्दियाँ वाले कपड़े अपस्टेयर्स लेके गई थी। वैसे तो लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आँख चपकते ही गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सर्दियाँ आ जाती हैं, पर हमारी जो क्लॉजेट है अब बाहर वाली, इतनी ज़्यादा क्लटर्ड हो गई है कि उसमें जगह ही नहीं है, साल नहीं। सो मैंने सोचा कि यार बेशक एक दो महीने के लिए, पर यहाँ से लेके चले जाते हैं, उसके बाद देखेंगे रिलीफ मिले। और सो वो सारा स्टफ मैंने ले जाके हमारी, मेरे और हस्बैंड की जैकेट गेस्ट रूम में रख दिया, तो वहाँ पे काफ़ी मैस है रूम में। और हिम्मत की, मैंने हिम्मत को कहा था कि तुम ले जाओ, और उसने सारे रूम में फैला दिया, कुछ उसने चेयर पर रख दिया, कुछ उसने बेड पर, मैंने उससे कहा था कि क्लोज़ेट में रखो। तो मेरा प्लान था कि उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँगी
ग्रॉसरी शॉपिंग करने से पहले. सो पर अब मैंने सारा समय डाउनस्टेयर बिता दिया क्लीनिंग में. अब ऑलमोस्ट जाने का समय होने वाला है, अब वो काम पोस्टपोन हो जाएगा. सो कॉफ़ी मशीन गर्म हो रही है, अब मैं कॉफ़ी बनाऊंगी और नींद आ रही है मुझे. कल हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, नॉट हम लोग, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और अभी भी मेरी टांगे सोर हैं. और मुझे इतना अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए, लाइक ऑफ द लिमिट्स नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर मेरी ना आने वाले दिन बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं. पर एक्चुअली मैं वॉक तो काफ़ी कर सकती हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा ऐसे अपहिल था ना, तो चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे साथ. मैंने कितनी बार ब्रेक भी ली, पर फिर ब्रेक लेने से ऐसा होता है कि आप जिस स्पीड में चल रहे हैं उसमें खलन आ जाता है कि आप बैठ जाओ थोड़ी देर, फिर दोबारा चलने के लिए मन नहीं है. थोड़ी थोड़ी ब्रेक के बाद मैं सोचा कि चलो यार वॉक करते रहो करते रहो ताकि सफ़र फिनिश हो. सो यार नाइग्रा की वो वाली चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लोर की जो हमने पहले कभी भी नहीं की. यूजली हम सिर्फ वो स्ट्रिप पे जाते हैं और नाइग्रा की साइड पे वॉक, पर कल हमने काफ़ी नन्हे नन्हे से स्टॉप आपने देखा. अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है कल वाला, तो ज़रूर से देखें कि हमने कई सारे नई चीज़ें ढूंढी और काफ़ी फन था कल वाला दिन, काफ़ी मज़ेदार. ओके मशीन हो गया, कॉफी बना लेते. आई थिंक छोटे कप्स में पी लेते हैं हम लोगों ने. ओके मैंने ये टी शर्ट खरीदी है ओल्ड नेवी से, मुझे लग रहा है. और आई डोंट नो ये कौन सा शो है, किसी शो की पिक्चर है फैमिली की, और मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा कभी. और हिम्मत मुझे कह रहा था कि ये लोग कौन है, मुझे नहीं पता, तो बहुत हंस रहा था मुझे. तुम्हें पता भी नहीं है कौन लोग, फिर भी तुमने ये टी शर्ट पहन के रखी है. मैंने कहा कि ये हमारी, ये तुम्हारी फैमिली है. मैं मजाक उड़ा रहा था. काफ़ी लार्ज बना रही हूँ मैं, तो एक कप में आएगी नहीं. हाँ स्मार्टी पाई. ओके दोस्तों, तो हम ग्रॉसरी स्टोर से आ गए हैं और ये ग्रॉसरी स्टोर का नाम की है ओके इस ग्रॉसरी स्टोर का नाम है इकबाल, मिसेज आगा में है ये. हमें किसी ने कहा कि ये बहुत अच्छी है तो हम यहाँ पे आ गए. और अच्छी है वैसे, पर ये देख नहीं रहे बंदे ना अनलिमिटेड अंदर बाड़ी जाते हैं. और हम लोग ग्रॉसरी आयल में जा रहे थे और एक लेडी ने की किया अपनी and spit on the aisle. जिस फ्लोर पे हम वॉक करे उत्थे द थुक देते जिदा बस स्टैंड पे खड़ी हो. पता नहीं लोग की सोच दे अपन एडा डर गए ही पज्जे पज. सो हम भाग भाग के हमने सारी शॉपिंग की, पर हम लोग सोच रहे कि लोग कितने केयरलेस है. कितने मास्क वैसे इतनी ज्यादा वो है कि दूर दूर रहो अपने, तो मुंह तो कुछ निकले ना मास्क पर, ऊपर वो स्पिट करता. हिंदी में बोलो ना. हिंदी की चलो मेरे भाई, उसने उतारा मार कर मेरी पान खा रही होगी. मैं भी like वो बैठ कर बैठ गई यार. और ये भी नहीं कि आयल खा ली अब, इधर उधर बंदे आ रहे जा रहे, उन्होंने कोई परवाह नहीं. बचाई थी आंख बचाई सी. पान पान तो नहीं खा ली. पान खा ली, कोरोना खा ली, पान खा ली. की कोरोना खा रही थी वो तो अपने ड्रॉपलेट्स. तो यार ये नन्ना सा स्टोरी टाइम था. आपके क्या विचार है इसके बारे में, उस लेडी का क्या किया जाए?
क्या हमें उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए थी? ओके, अब हम घर जाना चाहते हैं, पर हस्बैंड कह रहे हैं नहीं, मैं कॉस्को भी जाऊंगा, कॉस्को मुझे बहुत मजा आता है. सो ही इज टेकिंग अस टू कॉस्को एंड मीमी इज वेरी एक्साइटेड टू गो कॉस्को. नो, व्हाई? इट्स टू बिग एंड टू बोरिंग. What you got? We got some little stuff, not too much. Oh, you got a bag of chips. Yeah, yeah, for my son. He likes it. Oh, you got like his favorite bird, huh? Oh yeah, everything is for my son, Vicky. I love him. Can you make my video? Because it's his birthday too. Don't try to be like your daddy. Because it's gonna be his birthday too. Oh yeah, my son's birthday coming 18 June. How you know? Oh, camera guy. दोस्तों, तो हम कॉस्को की लाइन में खड़े हैं पे करने के लिए. हिम्मत कॉस्को आना नहीं चाहता था, पता नहीं उसे क्यों, बिल्कुल मज़ेदार नहीं लगता. पर अब हमारी ऑलमोस्ट शॉपिंग होगी. हमने बस थोड़ी सी चीज़ें ली हैं और मैंने एक दो चीज़ें फ्रोजन ली हैं वो इंडियन स्टोर से. वो मुझे लगता है घर पहुँचते पिघल जाएंगी. तो या दैट्स अपडेट. और इस कॉस्को से बहुत ज़्यादा राशा दोस्तों. हेलो डियर, सो हम हैं वॉशरूम में क्योंकि हिम्मत ने अपना शी हजारों सालों से कंट्रोल करके रखा था. I know your girl like you know me, let's run away together. Mimi is taking pizza break. I know a place and it's pretty far away where we could दोस्तों, तो हम लोग लेके आए हैं टोकरी कहाँ बक्सा अंबाला. इस पे स्पेशल चल रहा था, आई थिंक वैसे ये $13 का है और आज 10 का था. और इसमें ना एक्चुअली खुशबू नहीं है. खुशबू हमें वहाँ पे भी नहीं आ रही थी, पर जो बंदा इसको सेट कर रहा था उसने कहा कि ये बहुत मीठे हैं. और मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब मिठे नहीं होंगे तो फिर मैं उससे लड़ाई करने के लिए आऊंगी, जो कि बिल्कुल झूठ है. मेरे हस्बैंड कभी लड़ाई करने के लिए नहीं. ओह, ये बहुत मीठे. सो टेस्ट किया है मैंने, मीठे हैं, पर जो मैंगो की खुशबू आती है ना वो नहीं है. पर जो लास्ट टाइम असि हम खाते मुझे लगता है तब मैंने व्लॉग नहीं बनाया, पर वो इतने ज्यादा मीठे थे, इतने ज्यादा मीठे. ये बनाया हैगा नहीं, मैं बनाया हैगा वो बड्डे वाले अंबा वाला व्लॉग जेडे. तो ये $17 ते लग गए. $17 ते किन्ने ही हो? 5-6 ही है. आठ दे. वो इतने छोटे छोटे ये मैंगो लेके आए, किसी पाकिस्तानी सेल करा था? नहीं नहीं, करेबियन. ओके, कोई करेबियन स्टोर से लेके आए ये मैंगो, इतने पिद्दे पिद्दे से, कोलंबिया के. एंड आई थिंक $17-18 में सिर्फ 5-6 आए पिद्दे पिद्दे, पर इतने ज्यादा मीठे थे, इतने ज्यादा मीठे कि सेटिस्फाइड हो गए उसे खा के हम लोग. बहुत ज्यादा मीठे और बहुत ज्यादा खुशबूदार. सो इनके रिव्यूज हैं कि ये मीठे तो हैं पर खुशबूदार. सो हम लोग घर पहुंच चुके हैं, अब मैं ग्रोसरी को सेट करूंगी. जाने से पहले आपने देखा कि हमने हमारी फ्रिज को क्लीन कर दिया. सेटिंग करते हैं, मैं थोड़ी सी हॉल कर रही हूं. हम बहुत सारी अल्टू फालतू चीजें भी लेके आए हैं, जिसमें आते हैं बेसन. एक्चुअली बेसन हम इसलिए लेके आए क्योंकि हिम्मत कह रहा था, अदरवाइज हम नहीं लेते, क्योंकि पिछली बार मैंने बनाया था और मैंने सोचा इस बार भी बनाएंगे. और हिम्मत कह रहा मुझे ये खाना है, और कह रहा कि इसको आप खाना मत, मेरे बर्थडे तक सेव करके रखना, जब मेरा बर्थडे आएगा तभी खाएंगे. दैट्स स्टोरी अबाउट बेसन. उसके बाद है मेथी, परौंठे बनाने में आलू मेथी, टमाटर खूब सारे, राइस फ्लावर, चिट्टे छोले, काली दाल, जीरा. राशन हॉल है ये. राशन तो मैंने स्क्यूअर्स भी लेके आई हूँ, जिसको हम कबाब बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, चिकन टिक्का. सो बिरयानी मसाला, मैंने ना किसी की वीडियो देखी, वो ना ये रिजीजा ब्रांड से पाकिस्तानी है कोई. सो इसे ट्राई करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अगर आपने ट्राई किया है या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी ये खाते हैं, तो प्लीज मुझे बताना कि अच्छा लगता है. सो रैंडम मसाले, सांबर मसाला, चना मसाला, राजमा मसाला और हिम्मत के चिप्स एंड खूब सारे लिज्जत पापड़ काली मिर्च वाले. यह बहुत चावत्ती चाय पीने के लिए, हरी इलायची चाय बनाने के लिए, अनारदाना देखो कितना सोना है.
इसे मैं कई सारी चीजों में यूज करती हूँ, चटनी बनाने के लिए और भी हल्दियाँ एंड मूंगफली पति को अच्छी लगती है, अनदर चिट्टे छोले। ओके, सो ये वाली सॉस जो हम यूज करते हैं पास्ते के लिए या पिज्जे के लिए भी, ये विक्टोरिया ब्रांड की है, कॉस्को से। क्रीम चाय कॉफी के लिए एंड मक्खन बनाने के लिए 35%। एंड वैसे तो हम भुजिया खाते नहीं है, पर अगर कोई घर में आया तो फिर भुजिया कई बार सर्व करते हैं। वैसे दो चार डिफरेंट भुजिए, पंचरत्न मिक्सचर, आलू भुजिया हमें को अच्छा लगता है, हम वैसे भुजिए वाले बंदे हैं, मुझे कभी देखा नहीं होगा आपने खाते हुए। और खट्टा मीठा भुजिया समडे, तो मीमी के फेवरेट राजमा, मीमी के फेवरेट कुरकुरे, मीमी के फेवरेट मसाला चिप्स, बनाना डिलिशियस, स्ट्रॉबेरी, धनिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्ब इंडियन कुकिंग के लिए, धनिया। आज मैं लेके आई हूँ टिंडे, भिंडी थोड़ी सी, करेले, हरी मिर्ची, बैंगन बहुत मज़ेदार और बहुत हल्के, परठा बनाने के लिए या इसके फिश पकौड़े बनाने के लिए पति के लिए। एंड पति के लिए हम बनाएंगे मूली पराठा, दो फ्रोजन में। मैं एक्चुअली ग्रीन मैंगो लेके आई हूँ क्योंकि कई बार हम चटनी बनाते हैं ना तो ग्रीन मैंगो की जो खटास आती है ना चटनी में बहुत ज्यादा अच्छी, सो एक वो लेके आई हूँ। एक मैं सांबर मिक्स लेके आई हूँ, सांबर में डालने वाली सारी सब्जियां फ्रोजन है, तो हम डोसा बनाने की प्लानिंग में है तो उसे हम यूज करके सांबर बना सकते हैं। एंड डोसा बैटर भी लेके आई हूँ मैं, फ्यूचर में किसी दिन डोसा साउथ इंडियन नाइट बनाएंगे। एंड हिमर के फेवरेट ब्रेड वो पाओ जैसे, सो यही है प्यारी सी मेरी, इतनी ज्यादा नहीं, काइंड ऑफ ठीक ठाक काइंड की ग्रोसरी हॉल। और इसे मैं धोने वाली हूँ, मैं सोच रही हूँ इसे बना ले, बना लेते हैं। Tell myself it's okay to feel lonely, pretending I don't really care, just throws me into arms of people who don't notice whether or not I'm there. I try my hardest not to get nervous. Guys, आपको कौन सी चाय पत्ती अच्छी लगती है बताना, मुझे ताजमहल अच्छी लगती है, लाइक बचपन में ही ताजमहल ही पी रहे हम। अब बताना, मैंने ना पिछली बार कोई और पत्ती ट्राई की, आई थिंक रेड लेबल, तो बड़ी मुश्किल ना रो रो के मंगाई है, चाय का फ्लेवर ही नहीं आता। अब बताना कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। वैसे मैंने बाग बकरी भी ट्राई करके रखी, वो भी एक बार तुम इधर ये चीजें ला जाने मुक दिया है, टाइम तो बस उठ गया है, और कुछ नहीं आता। रोटी नहीं खानी, another tidal wave is coming, treading water, it's gonna sink me down to the bottom, chosen, chosen, I know I'll rise to the surface again, but another one is coming. और लैंड ही मैं तो मैं नाली आके लैंड ला पी, चुगल ला पी, मैं मोटे ना मोटा ला पी। I'm scarred from the years of my youth. Guys, आप मैंगो शेक किस समय पीते रहे हैं बताना, अही ज्यादातर रोटी खाने दोबारा आती मैंगो शेक का कक्का भोजी मैं चंडीगढ़ पी लूंगा। ओके दोस्तों, सारे आम मैंने वॉश कर लिए हैं, अब इसको मैं यहीं पे छोड़ दूंगी। सो टिंडे लाने के बाद मैंने सोचा कि आज ही बना लेते हैं, क्योंकि जितना फ्रेश चीज़ को बना लो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पता नहीं आपके ख़रीदने से पहले भी बाज़ार में कितनी देर से पड़ी थी ये सब्जी। तो विचार तो मेरा था कि भर के बनाऊं, पर टिंडे इतने मज़ेदार नहीं थे, कितने सारे टिंडे अंदर से थोड़े पके हुए किस्म के थे, तो फिर मैंने सोचा कि काट के बना लेती हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसको हम फेंक देंगे। सो इसीलिए मैंने इसको काट लिया है। टिंडे को हम नॉर्मल सा तड़का लगा के बना लेंगे, सिर्फ अनियन, थोड़ा सा गार्लिक, अनियन, टमाटर, जिंजर एंड ग्रीन चिली, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं, और काफ़ी कम घी डाल के मैंने हल्का सा तड़का लगा लिया। ये जो टिंडे हैं थोड़े यू नो फ्राइड से थोड़े स्पाइसी से अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा कि इनमें मैं मक्खन ऐड कर लेती हूँ, यू नो वो थोड़ा ऑयली सा इफ़ेक्ट के लिए। तो मैंने फ्रेश मक्खन बना लिया थोड़ा सा,
और जब तक मेरी सब्ज़ी कुक हो रही है मैंने आटा भी गूंद लिया उसी के साथ, क्योंकि आटा था नहीं मेरे पास, सो वो भी रेडी हो गया है एक साइड पे। एंड मक्खन में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि उससे फिर ना जल्दी मक्खन निकल आता है। एकदम से मैंने प्लान बनाया तो जो क्रीम थी वो फ्रिज में रखी थी तो काफ़ी ठंडी थी, और जब मैं मक्खन बनाती हूँ तो मैं क्रीम को रूम टेम्परेचर में रख लेती हूँ 1-2 घंटे पहले, तो फिर झटपट से मक्खन निकल जाता है। सो अगर आप वाइट मक्खन की वीडियो देखना चाहते हैं मेरे कुकिंग चैनल पे है सिम ऑर्गेन कुक पे, सो बहुत डिलिशियस बनता है मक्खन, ज़रूर से घर में बनाया करें। कई सब्जियों के साथ, परांठे के साथ, साग के साथ वाइट मक्खन 4 चांद लगा देता है। तो काफ़ी उल्टी पुल्टी जगह है पर मैंने सोचा कि आपको मैं टेस्ट करके बता देती हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है ये सब्ज़ी, मेरे हस्बैंड का मुझे पता नहीं कि उन्हें अच्छी लगती है या नहीं, उन्होंने इशारा तो किया था आऊँ करके पर पता नहीं मेरा दिल रखा ले गया है या से समथिंग। ठीक है बस कोई टिंडे भी बनाऊंगा घर में, जो टिंडे घर में नहीं बांधते थे बाहर बांधते हैं। गाइस आपको टिंडे अच्छे लगते हैं प्लीज़ बताना मुझे, पले हुए टिंडे नहीं बढ़िया लगते होल्ड करके बैठे अपना टीवी शो, उनका फेवरेट टीवी शो आ रहा है, सो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। मुझे तो अच्छी लग रही है सब्जी लाइट, वैसे टिंडे अच्छे लगते हैं बहुत से ऑयली से है पर मैंने सिंपल बनाया है। ऑयली बनाने के लिए मैंने इसमें फ्रेश मक्खन ऐड कर दिया है पर अच्छा लग रहा है मुझे तो, बहुत अच्छे बने। ओके दोस्तों तो हम लोग वापस आ गए सैर करके साइकिल चला के, और हिम्मत एंड डैडी ने कुछ कर्तव्य भी दिखाए पहाड़ियों पे चढ़ चढ़ के, और अब बारी आती है क्लीनिंग करने की, जिसके लिए हस्बैंड एंड हिम्मत दोनों मदद करेंगे। ओ माय गॉड तो दोनों ने बेसन भी प्यार करना तो ही। I don't think I'll ever fall in love with you, babe. Okay, husband and Himmat ka tough samay aa gaya thodi fight karne ka. I don't know ye father son happy fight hai, angry fight hai. So main apne pyare ambo ko dry karke rakh rahi hu, क्योंकि जहां से हमने मैंगो लिए वो बंदा कहता है खा ले दस ही खा ले ले या नहीं खा ले कहता खा ले एक्चुअली वो कहना चाहता था कि ये अच्छी तरह पके हुए हैं इनको रखना मत। सो मैंने सोचा कि अगर मैं गिल्ला रख लूंगी थोड़ा तो खतरा और बढ़ जाएगा, तो अच्छी तरह ड्राई करके रखेंगे तो थोड़ा लंबा समय तक खा सकते। ओके दोस्तों तो फिलहाल के लिए हम डन हैं आज के दिन के लिए, आज मैं और हिम्मत मूवी देखेंगे कोई, क्योंकि कल हिम्मत का ऑफ है स्कूल में, और अगर कोई मूवी नहीं मिलेगी तो मैं अर्ली बेड पे जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मम्मी कॉल 4 छुट्टीज बिकॉज 3 दिन इसकी छुट्टी है स्कूल से, लाइक आज फ्राइडे छुट्टी है सैटरडे संडे देन मंडे हमें वैक्सीन के लिए जाना है, तो ये हमारे साथ जाएगा। ओके सो इट्स अ पीए डे सो छुट्टी है। ऑलराइट दोस्तों सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपने ये प्यारा सा क्यूट सा फैमिली वाला व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड यू नो दिस इज माय मंथ ऑफ द बर्थडे, दिस इज जून एंड आई एम गोइंग टू बी 7 एंड वी आर गोइंग टू मेक अनदर वीडियो एंड गाइस प्लीज डू अ फेवर फॉर मी 1000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड एज अ बर्थडे प्रेजेंट आई विल बी वेरी ग्लैड एंड इट्स जस्ट अ स्टोरी जस्ट टू हेल्प पीपल। ओके दोस्तों तो हिम्मत ने बहुत अच्छी एंडिंग कर दी और आपको रिक्वेस्ट भी कर दी कि उसे 1000 फॉलोअर्स रीच करने में हेल्प कर दे, उसका बर्थडे आ रहा है, क्योंकि वो बहुत समय से वेट कर रहा है कि उसका इंस्टाग्राम के 1000 हो जाए और वो डैडी को विन कर जाए। सारे हम सबके सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप अगर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बाय, लव यू।